अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर में आखिर कैसी व्यवस्था होगी और आखिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन कौन कौन से लोग अयोध्या के राम मंदिर में पहुंचेंगे और अभी तक कई ऐसे भी हैं जिन्होंने न्योता को साफ ठुकरा दिया है। अब ये सारी बातों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अच्छे ढंग से करें। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:30 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर उद्घाटन के लिए लगभग 8000 विशिष्ट मेहमानों को न्योता भेजा गया है। भव्य महल में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा के लिहाज से कई नियम बनाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रवेश करने को लेकर उस निवेदन पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं राम मंदिर में प्रवेश के लिए क्या क्या नियम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राम मंदिर में प्रवेश करने वाले को मोबाइल, पर्स, कोई भी गैजेट्स जैसे ईयरफोन, रिमोट वाली चाबी जैसी चीजों को ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। बड़े संतजनों का छत्र, बंवर, झोली, निजी पूजा के लिए ठाकुर जी, सिंहासन, गुरु पादुकाएं भी कार्यक्रम स्थल पर ले जाना वर्जित होगा। अब आइए जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा के कुछ नियम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने वाली अतिथियों को 22 जनवरी को कार्यक्रम स्थल पर सुबह 11 बजे से पहले प्रवेश करना होगा। जानकारी के अनुसार निमंत्रण पत्र जिसके नाम का है सिर्फ उसी को ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। साथ आए सेवक या शिष्य कार्यक्रम स्थल पर नहीं जा सकेंगे। राम मंदिर में मुख्य यजमान पीएम नरेंद्र मोदी के मंदिर परिसर से चले जाने के बाद ही संतजनों को रामलला के दर्शन की अनुमति होगी। राम मंदिर उद्घाटन में भारतीय परंपरा अनुसार पुरुष धोती, गमछा, कुर्ता पजामा और महिलाएं सलवार सूट या साड़ी में जा सकती हैं। सिर्फ निमंत्रण पत्र और जिनके पास ड्यूटी के पास होंगे वही अयोध्या में प्रवेश कर सकेंगे। आइए जानते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कितने नेताओं को निमंत्रण दिया गया है और नेताओं के अलावा कौन कौन से मुख्य अतिथि वहां पे मौजूद होंगे और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने न्योते को अस्वीकार ही कर दिया। आइए जानते हैं। राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह में शामिल होंगे। दूसरी ओर राष्ट्रीय और अन्य प्रमुख दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा को न्योता मिला है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव को भी न्योता मिला है। आने वाले दिनों में अन्य विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजे जाने की संभावना है। भारत के कई नेताओं ने घोषणा की है कि वो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि वो इस समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने एक बयान में कहा है कि यह कार्यक्रम भाजपा और संघ का है। यहाँ आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने न्योते को अस्वीकार करने के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार द्वारा उन्हें निमंत्रण भेजा गया था। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर सवाल पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता, न कभी उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि हम जिनको जानते हैं उन्हीं से व्यवहार लेते हैं। इससे पहले CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। पार्टी ने कहा कि वे धार्मिक कार्यक्रम के राजनीतिकरण के विरोध में समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि वह इसमें शामिल नहीं होंगे। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी समारोह में नहीं जाएंगे। पार्टी के नेता और सांसद संजय राउत ने ये कहा है कि यह भाजपा के वर्चस्व वाला कार्यक्रम है, हमारा कोई भी कार्यकर्ता इसमें हिस्सा नहीं लेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कुल 100 चार्टर विमान के अयोध्या एयरपोर्ट में लैंड करने की उम्मीद है। इसमें एक से एक बड़े लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह का हिस्सा तो रहेंगे ही और उसके साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस प्राण प्रतिष्ठा के दिन शामिल होंगी। सूत्रों से ये भी खबर आई है कि आडवाणी की उपस्थिति देखी जा सकती है। अभी तक उनकी तबीयत और उम्र को देखते हुए कहा जा रहा था कि शायद वे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे, लेकिन अब उनकी उपस्थिति पर मुहर लग चुकी है। भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
इन्हें पहले ही आमंत्रण पत्र भेज दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेताओं ने उनसे मुलाकात कर एक बार फिर से उनसे कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी निमंत्रण दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी न्योता मिला है और खबर ये भी आ रही है कि वह समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा हिमाचल में कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। विक्रमादित्य ने कहा, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। देव समाज और विश्वास रखने वाले एक हिंदू के रूप में यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह इस अवसर पर उपस्थित रहें। वहीं इसके अलावा बॉलीवुड से कई हस्तियां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पहुंच सकती है। इसमें शामिल होंगे बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी और ऐसे कई हस्तियां हैं जिन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन के लिए न्योता मिला है और कई साउथ के भी एक्टर्स को न्योता दिया गया है और इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर को भी न्योता मिला है। खबर ये भी आ रही है कि अंबानी परिवार इस समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कौन से लोग 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।